नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जिला अस्पताल झांसी है, जहां आज सांसद अनुराग शर्मा, जिला अधिकारी आंध्र बामसी समेत तमाम लोग पहुंचे। दरअसल कोरोना की जो तीसरी लहर की संभावना आने की व्यक्त की जा रही है, उसको लेकर तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। आज जिला अस्पताल झांसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की शुरुआत को लेकर सांसद अनुराग शर्मा, जिलाधिकारी आंध्र बामसी ने इसका पूजन किया। इस प्लांट को लगाने की विधिवत शुरुआत हुई। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर सांसद बहुत गंभीर हैं और जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है। इस मामले में सांसद अनुराग शर्मा ने मीडिया से बात भी की, उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल हम आपको यह नज़ारा दिखा रहे हैं। आप नज़ारा देखने के बाद सांसद ने इस प्लांट को लेकर और योजनाओं को लेकर क्या कहा, यह आप खुद सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि फिलहाल स्थानीय सांसद कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं और किस तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी। तकरीबन 100 बेड के लिए तो पर्याप्त ऑक्सीजन हो जानी चाहिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर पेशेंट की बदलती है, तो आप लोगों ने मैं भी देखा जब अपने पास दूसरी कोरोना वेव आई, क्योंकि जो ऑक्सीजन के मतलब वेंटिलेटर पे या बाईपैक मशीन पे आदमी जाता है, तो रिक्वायरमेंट उसकी जो पर लीटर रहती है वो बढ़ जाती है। बहुत खुशी की बात है कि इंडरसॉल ब्रांड की कंपनी है, उसके वहाँ से ये अपने पास प्लांट आया। ये हमको डोनेशन में दिया था IGL, तो ऐसे जिन लोगों ने CSR फंड से दिया है, उन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, CMO साहब, CMS साहब, इन सब के वसीयत दी कि जल्दी से जल्दी ये प्लांट लग सकें। कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है देश में कभी, तो झांसी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं। पिछली बार भी अपने को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ पाई थी, पर अपन जितनी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत तात्पर्य से और रोज़ उसको मॉनिटर करते हैं। आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने एक उच्च लेवल की बड़ी मीटिंग करी, जिसमें सबसे ऑक्सीजन के बारे में फिर से उन्होंने लिया। आप सबके माध्यम से एक और आग्रह है कि भैया, जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी वैक्सीन दे।